राजस्थान में सियासी भूचाल लाने वाली राजेंद्र गुड़ा की लाल डायरी में छुपा राज अब सबके सामने आ गया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने लाल डायरी के 3 पन्ने सार्वजनिक कर दिए हैं। गुड़ा ने दावा किया है कि इन पन्नों में सीएम के करीबी और राजस्थान पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने इन पन्नों से सीएम के बेटे वैभव गहलोत और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव भवानी सामोता सहित अन्य लोगों से लेनदेन का जिक्र किया है। राठौड़ साहब लिखते हैं, उसकी हैंडराइटिंग आपको मैं दे दूंगा अभी। वैभव जी, मेरे दोनों के आरसीए चुनाव खर्च को लेकर चर्चा हुई कि भवानी सामोता किस तरह तय करके लोगों को अब तक पैसे नहीं दे रहा। घर पर भवानी सामोता राजीव खन्ना आए, आरसीए चुनाव का हिसाब किया। भवानी सामोता ने ज्यादातर लोगों से जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया, तो मैंने कहा कि ये ठीक नहीं है, आप इसे पूरा करो। तब भवानी सामोता ने कहा, मैं सीपी साहब की जानकारी में डालता हूं, फिर आपको 31 जनवरी तक फाइनल बता दूंगा। सोभाग जी पीएस टू सीएम को फोन कर कहा कि मेरा आरसीए वाला हिसाब कर दो, जरूरत है। उन्होंने कहा कि मैं सीएम साहब से बात करके बताता हूं। ये हैंडराइटिंग है उनकी खुद की, धर्मेंद्र जी की। ये आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र जी राठौड़ साहब की हैंडराइटिंग है और इसके अंदर ये जो मुझे पढ़ा हुई है, वैभव जी, मेरे दोनों के आरसीए चुनाव खर्चों को लेकर चर्चा हुई, भवानी सामोता किस तरह से तय करके लोगों को अब तक उनका पैसा नहीं दे रहा। राजीव खन्ना आए, आरसीए चुनाव का हिसाब किया, भवानी सामोता ने ज्यादातर लोगों को जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया, तो मैंने कहा कि ये ठीक नहीं है, आप इसे पूरा करो। तब भवानी सामोता ने कहा कि मैं सीपी साहब की जानकारी में डालता हूं कि वो आपके जानकारी में 31 जनवरी तक फाइनल बता दूं। सोभाग जी पीएस टू सीएम को फोन कर कहा कि मेरा आरसीए वाला हिसाब कर दो, जरूरत है। उन्होंने कहा कि सीएम साहब से बात करके बताता हूं। राजेंद्र गुड़ा ने लाल डायरी के कुछ पन्ने पढ़ते हुए आरसीए में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस डायरी में भ्रष्टाचार का ब्यौरा है, लाल डायरी में अशोक गहलोत सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के सारे सबूत मौजूद हैं। वे मेरे खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने की योजना बना रहे हैं। गुड़ा ने कहा कि मैं सरकार को नहीं, सरकार मुझे ब्लैकमेल कर रही है। बर्खास्त मंत्री ने दावा किया कि इस डायरी में मुख्यमंत्री के करीबी धर्मेंद्र राठौर की ही हैंडराइटिंग है। डायरी के कुछ पन्ने मिसिंग हैं, लेकिन मेरे पास जो पन्ने हैं वो मैं जारी करूंगा। रिपोर्ट की माने तो डायरी में लेन देन की बातें कोडवर्ड में हैं और वैभव गहलोत समेत मुख्यमंत्री के सचिव को लेकर भी बातें लिखी गई हैं।